हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम की कोई भी पोस्ट को आपको प्रमोट कैसे करना है, बूस्ट कैसे करना है। अभी आप सोचेंगे ये तो बहुत ही आसान तरीका है, इंस्टाग्राम पोस्ट के बाजू में जो बटन होता है उसके ऊपर क्लिक कर दो, बूस्ट पोस्ट के ऊपर पेमेंट कर दो, सेटिंग कर दो, रोज आता है। लेकिन मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है और ज्यादातर लोगों को ये तरीका मालूम है। मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूँ कि आप अगर इंस्टाग्राम पोस्ट को अपने एड सेंटर में से अगर बूस्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नोट कीजिएगा, मैंने एड मैनेजर नहीं कहा है, मैंने एड सेंटर कहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को अपने एड सेंटर में से प्रमोट कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं और आपका जो फंड है वो आपको यहाँ पर एड करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर ऑलरेडी एड अकाउंट है फेसबुक में तो वहां से ये एड जो है उसके लिए फंड वहां पर मिल जाता है। तो ये सेटिंग एक्चुअली कहां पर होता है तो आज मैं आपको इसका डेमो देने वाला हूं और मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ये जो एड सेंटर है इसको अगर ट्राई करना है तो अपने कंप्यूटर में से कीजिएगा, ना कि मोबाइल में से। और दूसरी जरूरी बात, अगर आपको ये एड सेंटर में से इंस्टाग्राम पोस्ट को बूस्ट करना है, प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आपका फेसबुक पेज कनेक्ट होना चाहिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ये दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये ऑपरेशन है वो पॉसिबल है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पर दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये किस तरह से होता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको चाहिए अपना फेसबुक पेज और आपको ये फेसबुक पेज और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों कनेक्ट करना है सबसे पहले। अगर आपको मालूम नहीं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं नीचे, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अपना एड सेंटर में कहां से जाना है। तो ये है हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक पेज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप सेटिंग में जाएंगे, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है या नहीं। यहां पर आइए इंस्टाग्राम, ये भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि इंस्टाग्राम कनेक्ट है या नहीं। तो देखिए यहां पर कनेक्टेड है। सो बिफोर मूविंग फर्दर ये भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपका इंस्टाग्राम सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं है। तो फिर से चलते वापस पेज की ओर। तो आपको वापस पेज में आना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको आना है एड सेंटर, एड सेंटर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एड सेंटर के ऊपर। अब देखिए एड सेंटर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको पास्ट एड्स की समरी आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको राइट साइड पे क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट एड। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग गोल दिखाई दे रहे हैं। गोल यानी कि आपका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों एड चलाना चाहते हैं, कि आपको ज्यादा विजिटर्स चाहिए अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, कि आपको ज्यादा मैसेज चाहिए, कि आपको कोई लीड चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज चाहिए, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, ज्यादा फोन कॉल चाहिए। तो ये सारे हैं अलग अलग गोल्स है जो कि यहाँ पर प्री डिफाइन आपको फेसबुक ने बना के दिए है। तो आप इसमें से एक चूज कर लीजिए आपका एग्जैक्टली मोटिव क्या है। तो यहाँ पर अपना गोल आपको चूज करना है, बूस्ट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, बूस्ट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने पास्ट में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जितने भी पोस्ट की होगी उस सब का यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। देखिए आपने जितने भी पोस्ट की होगी अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर उसका यहाँ पर लिस्ट आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर फेसबुक टैब में जाके फेसबुक की कोई पोस्ट भी बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों टैब है, फिलहाल हमें करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बूस्ट पोस्ट, जो भी पोस्ट आपको बूस्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, बूस्ट पोस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट में गोल है ऑटोमेटिक, यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए कि आपको एग्जैक्टली गोल क्या चाहिए। आप ये चाहते हैं कि फेसबुक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ले जो रेलेवेंट जो गोल है आपके अकाउंट के हिसाब से, या फिर आपको मैनुअल चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आप मैनुअल दो और चूज कर सकते हैं, मोर प्रोफाइल विजिट या फिर मोर वेबसाइट विजिटर्स। तो मुझे चाहिए मोर प्रोफाइल विजिट्स, तो यहाँ पर गेट मोर प्रोफाइल विजिट को सिलेक्ट कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी कोई व्यूअर आपका एड देखेगा तो नीचे आएगा विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल और जब भी वो उसके ऊपर क्लिक करेगा वो सीधा लैंड हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। तो इस तरह से आप ज्यादा फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसको हम कर देते सेव। यहाँ पर आ गया लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट डन। और यहाँ पर है स्पेशल एड कैटेगरी, अगर आप अपना जो एड है
वो मान लीजिए किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, या फिर कोई हाउसिंग, कोई फाइनेंस, सोशल इश्यू, पॉलिटिक्स के ऊपर हो, तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए। यानी कि आपको एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ऐड चलाने के लिए। लेकिन अगर इसके लिए रिलेटेड आपकी ऐड नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए सिंपल। उसके बाद आएगा ऑडियंस, यानी कि वो सी योर एड, आपकी एड कौन देखेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने पहले से सेट करके रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर क्रिएट न्यू करके नए ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने पास्ट में जो भी ऑडियंस को यूज किया हो, क्रिएट किया हो, यहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम का जो ऑटो रिकमेंडेड है, जो भी ऑडियंसेस, यानी कि पीपल वो लाइक योर पेज, वो लाइक योर पेज इन पीपल सिमिलर टू देम, पीपल इन योर लोकल एरिया, राइट। सो इस तरह से अलग अलग है, रिकमेंडेड ऑडियंस है, तो आप चाहे तो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्रिएट न्यू करके आप यहाँ पर न्यू ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट पैरामीटर्स है, काफी कम है, जैसे कि ऑडियंस नाम देना है आपको, मेल फीमेल जेंडर देना है, एज ग्रुप देना है, आपका लोकेशन टाइप करना है, और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी कि आपके जो ऑडियंस है उसका नीश क्या है, तो आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स डालना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है, राइट। और उसके बाद आगे हम जाएंगे ऑडियंस के नीचे, तो यहाँ पर आएगा बजट एंड ड्यूरेशन, राइट। सबसे पहले आपका आएगा ड्यूरेशन, यहाँ पर है बाय डिफॉल्ट 7 डेज। मान लीजिए अगर आप इसको 2 या 3 डेज करते हैं, जैसे कि 3 दिन किया, जो कि काफी सारे ऐसा लोग करते हैं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए एड चलाते हैं, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एड्स दैट रन फॉर एटलीस्ट 4 डेज टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट। कम से कम अगर आप 4 दिन एड चलाते हैं तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा एड का, क्योंकि यहाँ पर रिकमेंडेड है। क्योंकि जब भी आप कोई ऐड चलाते हैं ना, तो 1-2 दिन में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होता है उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। क्योंकि फेसबुक को वो अल्गोरिदम को समझने में कि कौन से ऑडियंस को ये ज्यादा पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, कौन से फैक्टर्स में ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है अच्छे से, तो ये सारी चीजें उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट 2-3 दिन तो वो एनालिटिक्स करता है, रिव्यू करता है। उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेच में अगर आप जाएंगे तो आगे आपका एड का रिजल्ट ज्यादा बूस्ट होगा। तो एटलीस्ट रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 4 दिन का यहाँ पर ड्यूरेशन जरूर रखें, राइट। तो यहाँ पर कर दिया मैंने 4 दिन, एंड डेट अपने आप आ जाएगा क्योंकि डेज के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपना बजट चूज कर सकते हैं। अब आपने डेज सिलेक्ट कर लिया तो ये आपका पूरा हो गया लाइफ टाइम बजट, यानी कि थ्रू आउट आपका कैंपेन का बजट हो गया। अगर आप सबसे नीचे मिनिमम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर आता है, तो मिनिमम बजट इज 80.90 पर डे, यानी कि पर डे का मिनिमम 80 रुपीज है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो थ्रू आउट आपका टोटल हो गया बजट तकरीबन 320 रुपीज, राइट। 80 रुपीज अगर एक दिन का है तो 320 रुपीज प्लस 18% GST। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जो है ये स्लाइड करके अपना बजट है वो 350 तक मिनिमम ले जाना है, तब तो आपको यहाँ पर आपका बजट सेट होगा प्रॉपरली। अगर आप इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाउंड वन एरर। फाउंड वन एरर का मतलब ये है कि आपका 4 दिन का कॉस्ट, जो एड का कॉस्ट है वो प्लस जीएसटी, वो 300 रुपये में नहीं हो सकता है, आपको मिनिमम 350 रखना पड़ेगा। क्योंकि 320 रुपीज तो ऐड का हो जाएगा 4 दिन का, और ऊपर से जीएसटी लगेगा, तो उस हिसाब से 350 आप मिनिमम यहाँ पर आपको रखना है मिनिमम। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही आपका जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी मान लीजिए मैं अभी फिलहाल रखता हूँ 500 रुपीज अप्रोक्स। अब यहाँ पर आ गया प्लेसमेंट, यानी कि आपको ये एड है वो कहाँ दिखाना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या फिर दोनों जगह पे। तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम तो रहेगा, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पोस्ट को बूस्ट किया है, तो उसको आप कोई चेक अनचेक नहीं कर सकते। फेसबुक आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फेसबुक पे ये ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना है। मुझे नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अनचेक। अब देखिए यहाँ पर आ गया पेमेंट मेथड, एड फंड्स। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 800 रुपीज अराउंड है ऑलरेडी, यहाँ पर डिपॉजिट है मेरे वॉलेट में। अब आप सोचेंगे ये आया कहाँ से, तो देखिए उसके लिए आपको जाना है वापस ऊपर और राइट साइड पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऐड अकाउंट। अगर आपके पास मल्टीपल ऐड अकाउंट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी ऐड अकाउंट में आपका प्रीपेड फंड बैलेंस मौजूद हो, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास प्रीपेड फंड्स ना हो तो यहाँ पर आप ऐड फंड्स करके अपना कोई भी पेमेंट मेथड उसको सिलेक्ट करके यहाँ से अमाउंट डाल के आप उसको रिफिल भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मेरा जो है वो प्रीपेड फंड है, यानी कि ऑलरेडी मैंने वॉलेट में जो है अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, सो आई डोंट वांट टू ऐड एज ऑफ नाउ।
अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पर फंड को है वो रिफिल कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास है 800 रुपीज, अराउंड 885, और मेरा कॉस्टिंग रहेगा 500 रुपीज, सो ऑब्वियसली इसमें एडजस्ट हो जाएगा आराम से। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, अब मैंने और एक बार रिव्यू कर लीजिए सब कुछ, परफेक्ट। ओके, सब कुछ चेक करने के बाद ओके, यहाँ पर आप बूस्ट पोस्ट नाउ नीचे ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका ऐड जाएगा सीधा रिव्यू में, और रिव्यू के लिए कुछ घंटे लेगा, कभी कभार ये 2-3 घंटे में भी हो जाता है और कभी कभार ये 24 घंटे भी लेता है, डिपेंड्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वेट करना है बूस्ट पोस्ट करने के बाद, और उसके बाद एड क्रिएट हो जाने के बाद आप इसको एड्स मैनेजर को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अपना अकाउंट सिलेक्ट कीजिए ऊपर, और यहाँ पर जो भी पोस्ट आपने बूस्ट की है यहाँ पर आपको उसका कैंपेन नजर आएगा, और आप उसको एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हैं। और वापस अगर आप आएंगे वहीं पर अपने पेज में, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, पास्ट एड्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने कोई यहाँ से एड सेंटर में से एड क्रिएट नहीं किया था पास्ट में, तो यहाँ पर फिलहाल कोई लिस्ट नहीं है, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी एड्स येट लास्ट 6 डेज में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं। अगर आपने क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर आ जाता। सो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप जिस तरह से इंस्टाग्राम के जो पोस्ट है वहां पर ऐप में जाके आप बूस्ट पोस्ट करते हैं, उसके अलावा ये भी एक ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है कि आप यहां से कर सकते हैं अपना इंस्टाग्राम का कोई भी पोस्ट को बूस्ट, यानी कि उसको प्रमोट। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।